बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़े थे क्लास 11 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसमें आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। हम चैप्टर नंबर 2 में मोनेरा जगत पढ़ रहे थे। मोनेरा जगत में हमने जाना था कि हमें चार जीव पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट जीव था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आर्की बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया, एंड दूसरा था वो है साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो ये चार जीव पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने फर्स्ट जीव जो था आर्की बैक्टीरिया पढ़ा दिया है। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से वॉच कर लीजिए। आज हमारा मोनेरा जगत का सेकंड जीव है, वो है हमारा यू बैक्टीरिया, जिसे सुजीवाणु बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि यू मोनेरा जगत का जीव है, तो आपको पता है कि ये मोनेरा जगत का जीव है तो एकल कोशी के तो होगा ही, और साथ ही साथ ये प्रोक्रियाटिक्स भी होंगे, मतलब इसमें प्रोक्रियाटिक्स कोशिका पाई जा रही होगी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आखिर प्रोक्रियाटिक कोशिका की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। और बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया के बारे में जान लिया है कि बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, आर्की यू बैक्टीरिया, जिसमें हमने जाना था आर्की बैक्टीरिया जो प्राचीन जीवाणु थे और यू बैक्टीरिया हमारे सामान्य जीवाणु हैं। तो हम पढ़ रहे प्रोक्रियाटिक कोशिका की संरचना, मतलब यू बैक्टीरिया की संरचना। ठीक है, तो कोशिका संरचना में हम जानते हैं कि इनका जो आवरण होता है, ठीक है, कोशिका जो यू बैक्टीरिया की जो कोशिका है उसमें 3 आवरण पाए जाते हैं, 3 लेयर होती हैं। जैसे कि एक होता है, फर्स्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड लेयर होता है कोशिका भित्ति, एंड थर्ड लेयर होता है इसमें कोशिका झिल्ली। देखो, ग्लाइकोकैलिक्स को एनलोपर बोलते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वॉल, एंड कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं इसको। तो ये 3 लेयर है जिनको हम बारी बारी से एक एक लेयर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो 3 लेयर आपको दिखाई दे रही है बाहर की, अभी हम सिर्फ इनके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 लेयर रहे हैं जिसमें आपको फर्स्ट लेयर है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है गाइस, फर्स्ट लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जिसे हम एनलोपर बोलते हैं, ये बना होता है पॉलीसेक्राइड से। किससे बना होता है गाइस? इसका फर्स्ट पॉइंट है कि यह पॉलीसेक्राइड से मिलकर बना था। पॉलीसेक्राइड क्या होती है? पॉलीसेक्राइड एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, मतलब बहुत से प्रकार के मोनो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है ये, मतलब पॉलीसेक्राइड। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है किससे बना होता है? पॉलीसेक्राइडों से मिलकर बना होता है। ओके, दूसरा कि इसमें जो है ना 2 स्तर शामिल होती है, एक होता है अपंक स्तर, दूसरा होता है संपुटिका। ठीक है, हम अपंक स्तर को स्लाइम लेयर और संपुटिका को कैप्सूल बोलते हैं। मतलब जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, जो वो पतली होती है और जो लचीली होती है, तो हम उसको अपंक स्तर बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं। लेकिन जैसी वो मोटी हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो उसको कैप्सूल बोला जाता है। अब ये क्यों हो जाती है? तो गाइस, जो हमारा ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, जब वो पतली रहेगी तो उसको तो हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जो पॉलीसेक्राइड है ना, इस पॉलीसेक्राइड में प्लस हो जाता है एमिनो एसिड, जब इसमें आके एमिनो एसिड जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, तो हमने जाना जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बना है पॉलीसेक्राइड से। दूसरा, इसमें 2 स्तर शामिल है, एक होता है अपंक स्तर, एक होता है संपुटिका। अपंक स्तर जब पतली और लचीली होती है तब हम इसको अपंक स्तर बोलते हैं, यानी कि स्लाइम लेयर बोलते हैं। जैसे ही पॉलीसेक्राइड में आपके एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो ये मोटी हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको संपुटिका यानी कि कैप्सूल बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर के बारे में क्लियर हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, सेकेंड लेयर है हमारा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में जानेंगे। तो गाइस, यह कैप्सूल के नीचे वाली परत है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बाहर वाली परत ग्लाइकोकैलिक्स की थी जिसमें हम कैप्सूल बोल रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैप्सूल देखो, वो मोटी हो जाती है तो उसको कैप्सूल बोलते हैं। एंड उसके नीचे वाली जस्ट जो लेयर है उसको क्या बोल रहे हैं? हम कोशिका भित्ति बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कोशिका भित्ति बोल रहे हैं, जस्ट नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि यह कैप्सूल के नीचे वाली परत है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैप्सूल के नीचे वाली परत है और यह कोशिका की निश्चित आकृति बनाए रखती है। तो इसका कार्य क्या होता है कोशिका भित्ति की? यह कोशिका की एक निश्चित आकृति बनाकर रखती है। मतलब जैसे कि हमारा जो निश्चित आकार बना के रखने का कार्य करता है, कौन करता है? कंकाल करता है। इसी प्रकार से इसमें जो निश्चित आकृति है उसकी कोशिका की, वो कोशिका भित्ति की वजह से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। यस, यह कैसी कोशिका है? एक यू बैक्टीरिया की कोशिका है तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, दूसरी है कि यह एक निर्जीव स्तर होती है। कैसी स्तर होती है कोशिका भित्ति? निर्जीव स्तर होती है और यह कोशिका को फटने से बचाता है। ये कोशिका को फटने से ही बचाता है, क्योंकि अगर कोशिका में अगर ज्यादा पानी भर जाता है तो ये कोशिका फट सकती है, जिस वजह से मतलब ये कोशिका को फटने से भी बचाता है। कि कोशिका भित्ति का नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव।
हाँ गाइस, जो कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका भित्ति के आधार पर एक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने कहा कि कोशिका भित्ति के आधार पर बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव। मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि किस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना है कि कोशिका भित्ति के आधार पे दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक होता है ग्राम नेगेटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेयर है, तो सेकेंड लेयर भी हो गया, अब नेक्स्ट लेयर है हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है, सुजीवाणु की कोशिका झिल्ली द्विस्तरीय, सॉरी यहाँ पर भित्ति लिख दिया है, झिल्ली है, सुजीवाणु की कोशिका झिल्ली द्विस्तरीय समांतर लिपिड लेयर प्लस प्रोटीन लेयर से मिलकर बना होता है। जी गाइस, जो कोशिका झिल्ली है यह दो लेयरों से बना होता है, एक तो हमारी लिपिड लेयर होती है, दूसरा हमारा प्रोटीन लेयर होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, और यह द्विस्तरीय होती है क्योंकि जो झिल्ली होती है ना, कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से नीचे से भी और ऊपर से भी, इस प्रकार से नीचे की तरफ, ये इस प्रकार से होती है। तो आप देख रहे हैं कि दो लिपिड लेयर है ये, तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं द्विस्तरीय लिपिड लेयर से मिलकर बना होता है हमारी कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, मतलब जो सुजीवाणु की कोशिका झिल्ली है वो एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक क्यों बोला गया है, क्योंकि मतलब ये चयन करती है कि किन पदार्थों को अंदर आने देना है और किन पदार्थों को अंदर नहीं आने देना है, तो यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह रूपांतरण करती है, किसका, मीजोसोम का और क्रोमैटोफोर का। अब मीजोसोम क्या होता है, गाइस वो मीजोसोम होता है, मान लीजिए कि कोशिका है, ठीक है, कोशिका है ये सुजीवाणु की, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर है ना, ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है, बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, जिसे हम अपंक लेयर भी बोलते हैं या फिर हम उसे कैप्सूल भी बोलते हैं। तो पहला वाला जो है कैप्सूल समझ लीजिए इसको, ठीक है, और जो हमारी सेकेंड लेयर है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, हमारी सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, और जो हमारी अंदर वाली जो लेयर है वो हमारी कोशिका झिल्ली है। तो मीजोसोम रूपांतरण किस प्रकार से करती है, जो हमारी कोशिका झिल्ली है ना, ये जीवद्रव्य है हमारा, अंदर की जीवद्रव्य के अंदर थोड़ी सी मुड़ जाती है इस तरीके से, मतलब अनेकों प्रकार की संरचनाएं बना लेती है मुड़ मुड़ के, इसको हम मीजोसोम बोलते हैं। अब इस मीजोसोम का कार्य क्या है, गाइस ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य जो कौन करता है, तो मीजोसोम करता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होता है, मीजोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है, ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। दूसरा इसका जो काम है, जैसे कि ये कोशिका के विभाजन में भी काम आता है मीजोसोम, कैसे, मान लीजिए जो मीजोसोम है दोनों तरफ से आप दिख रहे हैं, जब ये दूसरे से बढ़ते जाएंगे जाकर मिल जाएंगे, तो ये कोशिका दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से ये डीएनए की कॉपी बनाने में भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर भी एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने सारा तीनों बातों को देख लिया, तीनों आवरणों के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो जीवद्रव्य है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में हम जीवद्रव्य में पाई जाने वाली चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। और जैसे ही हमारा ये बैक्टीरिया खत्म होगा, हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, मोनेरा जगत को खत्म करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के तीन आवरण होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे फर्स्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स बना होता है पॉलीसेकेराइड से, इसमें दो स्तर शामिल है, अपंक स्तर, संपुटिका यानी स्लाइम लेयर, कैप्सूल। जब यह पतली होती है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, जब यह मोटी हो जाती है इसको कैप्सूल बोलते हैं। मोटी क्यों हो जाती है, जब पॉलीसेकेराइड में आके अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं तो यह क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। नेक्स्ट लेयर है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है, यह सबसे इसके नीचे वाली जो लेयर होती है, कैप्सूल के जस्ट नीचे वाली लेयर कोशिका भित्ति होती है, यह कोशिका की आकृति को बनाए रखने का कार्य करती है। तीसरा बात, ये पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, और ये प्रकार की निर्जीव स्तर होती है जो कोशिका को फटने से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि कोशिका भित्ति के आधार पर दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट लेयर है हमारी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होती है, सुजीवाणु की कोशिका झिल्ली दो स्तर से बनी होती है, लिपिड स्तर प्लस प्रोटीन स्तर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट होता है हमारा, यह एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब चयन करती है किन पदार्थों को आने देना है, किन पदार्थों को नहीं आने देना है। रूपांतरण करती है किसका, मीजोसोम का, क्रोमैटोफोर का। मीजोसोम क्या होता है, जो जीवद्रव्य में जो कोशिका झिल्ली है कहीं कहीं स्थानों पर जाके मुड़ जाती है, उसको मीजोसोम बोलते हैं।
यह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करती है, कोशिका के विभाजन में काम करती है, डीएनए की कॉपी बनाने में। और इस मीजोसोम की खोज जो किया था वो फिट्स जेम्स ने किया था सन 1969 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।